साफ चली शफाफ चली, नो करप्शन के दावे इदारों का अनोखा कारनामा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिशावर मेट्रो की तहकीकात रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ ने बीआरटी के हवाले से दायर दरखास्त का तफसीली फैसला जारी करते हुए एफआईए को 45 दिन में इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिस पर एफआईए ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि पीटीआई हुकूमत ने मंसूबे को विजन के बगैर फेस सेविंग के लिए शुरू किया। नाकिस मनसूबा बंदी के 22 मनसूबे की लागत में 35% इजाफा हुआ और पिशावर के रिहायशियों के लिए तकलीफ का बाइस बना। मनसूबे ने 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल होना था, लेकिन सियासी ऐलानात के बाइस ताखीर का शिकार हुआ और लागत भी बढ़ गई। और फी किलोमीटर लागत 2,42,70,00,000 रुपए है, जो बहुत ज्यादा है। क्या मंसूबे के लिए इतना बड़ा कर्जा लेने की जरूरत थी? बीआरटी के कर्जे से सूबे की माशी खुशहाली भी मुमकिन थी।